expression for torque experienced by dipole lying in uniform electric field. देखो ये टॉर्क बीच में कैसे आया इसको एक बार समझते हैं. सपोज करो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम है. ठीक है, ई की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम है. अब सपोज करो एक मिनट के लिए कि ये एक डायपोल पड़ा हुआ है, ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो ये टू ए डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक डायपोल में आप ये लेके चलो कि ये चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज माइनस क्यू है. अब मुझे ये भी बात समझ में आती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई हर वक्त या हर पॉइंट पर सेम है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, राइट की तरफ है, तो ये जो चार्ज क्यू है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. वो फोर्स की वैल्यू कहाँ पर होगी? राइट होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन राइट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बोलो कितनी करेगा? एफ इज इक्वल टू क्यू ही करेगा. ठीक हो गया. नेगेटिव चार्ज कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? पॉजिटिव की तरफ करेगा. ये रहा नेगेटिव चार्ज, कितनी करेगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू ही. तो एक चार्ज एक फोर्स है क्यू ही, दूसरी फोर्स है क्यू ही. ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? क्यू एंड क्यू क्लियर है. तो अब आप ये देखो कि जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं इसके ऊपर एक्ट करेंगे तो ये घूमेगा. क्यों घूमेगा? क्योंकि इसमें कपल एक्ट कर रहे हैं. कपल क्या होता है? दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज. जैसे मान लो ये बॉडी है, एक फोर्स एक्ट कर रही है इस तरफ ऐसे और एक फोर्स एक्ट कर रही है इस तरफ, तो ये बॉडी घूमेगी. तो इसमें क्या जनरेट होगा? टॉर्क जनरेट होगा. या फिर आप ये एग्जाम्पल ले लें, अगर आपके पास ये एक बॉडी है टेबल पर पड़ी हुई है, अगर एक स्टूडेंट यहाँ फोर्स लगाए क्यू ई, यहाँ फोर्स लगाए क्यू ई, तो अल्टीमेटली ये बॉडी घूमेगी, ये बॉडी घूमेगी. राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें टॉर्क जनरेट होगा. अब टॉर्क जनरेट होगा तो इसमें अगर आप कपल की बात करें तो कपल क्या होता था? टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. जैसे मान लो ये एक बॉडी है, यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है एफ और यहाँ पर भी फोर्स एक्ट कर रही है एफ, एफ एंड एफ, तो इसका एक्सिस है तो रेडियस क्या है? आर. तो अगर मैं ये पूछूं कि इसने कितना टॉर्क लगाया ऊपर वाली फोर्स ने, तो आंसर क्या होगा? आर इंटू एफ. कैसे लगाया? क्लॉकवाइज बॉडी को घुमाया. और नीचे वाली फोर्स ने कितना टॉर्क लगाया? आर इंटू एफ. कैसे घुमाया? क्लॉकवाइज ही घुमाया. तो नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? नेट टॉर्क की वैल्यू होगी टू आर इंटू एफ, या फिर एफ इंटू कितना? टू आर. एफ इंटू टू आर. तो एक शॉर्टकट है कि अगर आपको इसमें टॉर्क निकालना है तो दो, अगर एक कपल है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं, तो एक फोर्स ले लें और दोनों फोर्सेज के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो टॉर्क आ जाएगा. उसी तरीके से इसके अंदर अगर आप देखें, बिल्कुल सेम अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये क्यू ई, ये क्यू ई, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो कैसा बनेगा? वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा, ये वाला डिस्टेंस. क्यों बनेगा? क्योंकि अगर आप पीछे को एक्सटेंड करें इस फोर्स को, एक मिनट के लिए एक्सटेंड करें, तो आप चेक कर सकते हैं दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही बनेगा. राइट, तो मान लेते हैं कि ये डायपोल, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल क्या बना रहा है? थीटा. तो बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या हो जाएगा? थीटा. अगर ये टू ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टू ए साइन थीटा. तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? टू ए साइन थीटा. तो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी, टॉर्क वो क्या आएगी? फोर्स, क्योंकि दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज है क्यू ई फोर्स, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? टू ए साइन थीटा. क्लियर है यहां तक? तो टॉर्क विल बी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए इंटू ई इंटू साइन थीटा. अब क्यू इंटू टू ए क्या होता है? पी ई साइन थीटा. अब क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर है, पी एक वेक्टर है, ई एक वेक्टर है, तो टॉर्क वेक्टर विल बी इक्वल टू पी क्रॉस ई, क्योंकि अगर यहां पर साइन है तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, कॉस है तो डॉट प्रोडक्ट. तो दिस इज द फाइनल आंसर. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि टॉर्क क्या होगा? और टॉर्क से होगा क्या? ये जो डायपोल है वो ऐसे घूम के यहां पर आ जाएगा. तो आप इसे बना सकते हैं प्लीज. तो इसको बनाने के लिए
आप ये टॉपिक चेक करें, सेम है, तो ये टू ए क्यू ई क्यू ई टू ए साइन थीटा एंगल थीटा, तो यहाँ पर टॉर्क क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्यू इंटू टू ए को पी लिख लिया, पी ई साइन थीटा। तो एक बार प्लीज इसे आप इसमें बनाएं, और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या लिखा, पी क्रॉस ई। एक चीज और देख लें कि अगर मान लें आपका डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है, प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस का मतलब कि डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही राइट, तो पी वेक्टर और ई वेक्टर में बोलो एंगल कितना है, जीरो। जब मैं बोलता हूँ पी साइन थीटा, तो ये थीटा एंगल किसके किसके बीच में होता है, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में, तो पी वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल जीरो, तो टॉर्क क्या होगा, जीरो, क्योंकि साइन जीरो इज जीरो। लेकिन अगर मान लो थीटा 90 हुआ, डायपोल ऐसा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हुआ, तो डायपोल बिल्कुल स्ट्रेट है, तो एंगल 90 है, तो साइन 91 मैक्सिमम वैल्यू, टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम। तो आप इसको प्लीज नोट करें रफ में पहले, और उसमें फॉर्मूला के रजिस्टर के अंदर इसका टॉर्क का फॉर्मूला भी नोट करें, और ये डेरिवेशन की प्रैक्टिस करें, एक मिनट प्लीज़।